नमस्कार, इजी आयुर्वेद में आपका स्वागत है। आइए आज हम स्वर्ण महायोगराज गुगलू के बारे में जानेंगे, जो जोड़ों के विकार के इलाज में इस्तेमाल की जाने वाली आयुर्वेदिक दवा है। यह दवा केवल चिकित्सीय देखरेख में ही लेनी चाहिए। इसका उपयोग लंबर स्पॉन्डिलोसिस, निचली कमर का दर्द, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, सयाटिका, तंत्रिका मांसपेशियों से संबंधित रोग, अपच, पेट के गैस, वायरल बुखार के कारण शरीर, मांसपेशियों और जोड़ों का दर्द, कंधे की अव्यवस्था के कारण दर्द, टखने का दर्द, टखने का फड़कना, स्लिप डिस्क, मोच, पीठ दर्द, मांसपेशियों में अकड़न, एवास्कुलर नेक्रोसिस, संवेदी तंत्रिका श्रवण हानि, हाइपोथायराइडिज्म, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, SLE से संबंधित दर्द आदि रोगों में भी किया जाता है। यह हड्डियों और जोड़ों की ताकत को सुधारता है और यह एक उत्कृष्ट सूजन विरोधी और दर्द निवारक दवा के रूप में कार्य करता है। स्वर्ण महायोगराज गुगलू के पारंपरिक उपयोग त्रिदोषाग्न, तीनों दोषों यानी वात, पित्त और कफ को संतुलित करता है। रसायन, आयुर्वेदिक और कायकल्प करने वाली दवा। वात आमय, मांसपेशियों, जोड़ों और तंत्रिका से संबंधित वात असंतुलन विकार, कुष्ठ, त्वचा रोग, अर्शस, बवासीर, ग्रहणी, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, प्रमेह, मधुमेह और मूत्रपथ के विकार, वात रक्त, गाउट, नाभिशूल, नाभि क्षेत्र में दर्द, जठरशोथ, भंग दरा, फिस्टुला इन एनो, उदावर्त, सूजन, क्षय, ऊतकों की हानि और मांसपेशियों की बर्बादी, गुल्म, पेट के ट्यूमर, अपस्मार, मिर्गी, उरोग्रह, छाती में जमाव, मंदाग्नि, कमजोर पाचन शक्ति, श्वास, सांस लेने में कठिनाई, कासा, खांसी, सर्दी, अरुचि, एनोरेक्सिया, रेतो दोष, बांझपन से संबंधित विकार, राजो दोष, महिला बांझपन, वात संबंधी सभी विकारों के लिए इसे पारंपरिक रूप से रासनादिक वात के साथ दिया जाता है। पित्त संबंधी विकारों के लिए इसे कंकोल्यादि कषाय के साथ दिया जाता है। कफ असंतुलन विकारों के लिए इसे अरगवदादि कषाय के साथ प्रशासित किया जाता है। मूत्र मार्ग के विकारों के लिए दारू हरिद्रा का काढ़ा सही अनुपान है। एनीमिया के लिए इसे गोमूत्र के साथ दिया जाता है। मोटापे के लिए इसे शहद के साथ दिया जाता है। त्वचा विकारों के लिए उपयुक्त अनुपान नीम का काढ़ा या हर्बल चाय है। गठिया के लिए इसे गुडुची कषाय के साथ दिया जाता है। सूजन और दर्द से राहत के लिए पिपली या मूली का काढ़ा उपयुक्त पेय है। कृंतक और चूहे के काटने के लिए इसे पाताल क्वाथ के साथ प्रशासित किया जाता है। नेत्र विकारों के लिए इस औषधि को त्रिफला कषाय के साथ दिया जाता है। जलोदर के लिए उपयुक्त अनुपान तुनरनव का काढ़ा है। आइए अब इस दवा के सामग्री के बारे में जानेंगे। इनमें है टिन, सिल्वर, लेड, आयन, सिलिका और सोने का भस्म होता है। रस सिंदूरा यानी शुद्ध गंधक और पर्दा के मिश्रण से तैयार किया गया दवा। अदरक, यह भूख और पाचन में सुधार करता है। पिपली का फल और जड़, यह अपच, एनोरेक्सिया और अन्य गैस्ट्रिक समस्याओं से छुटकारा दिलाता है। अजवाइन, वायविडंग, बच, त्रिफला यानी हरद, बहेदा और आंवला का संयोजन, जिसे अच्छी सूजन विरोधी माना जाता है। गुगलू आदि। इसका संदर्भ शरंगदरा संहिता मध्यम कंड सातवें अध्याय श्लोक संख्या 56 से 69 में मिलता है। मूल संदर्भ महायोगराज गुगलू के बारे में बताता है। इसमें निर्माता स्वर्ण भस्म यानी सोने का भस्म मिलाता है और टैबलेट तैयार करता है, जिसे स्वर्ण महायोगराज गुगलू कहा जाता है।
दवा की खुराक और समय निर्धारित करने वाले डॉक्टर के निर्णय पर निर्भर करता है। आमतौर पर यह दवा एक से दो गोलियों की खुराक में दिन में एक या दो बार ली जाती है। यह दवा केवल सख्त चिकित्सीय देखरेख में ही ली जानी चाहिए। इस दवा के साथ स्व उपचार खतरनाक है। बच्चों और गर्भवती महिलाओं को इससे बचना चाहिए। इस दवा का चयन किसी अच्छी कंपनी का करना सुनिश्चित करें। यदि उच्च खुराक में सेवन किया जाता है तो यह गैस्ट्राइटिस को बढ़ा सकता है। गर्भावस्था, स्तनपान के दौरान और बच्चों में इसके उपयोग के लिए अपने डॉक्टर की सलाह लें। यह दवा ऊंजा, अमृता फार्मेसी, बैद्यनाथ आदि आयुर्वेदिक कंपनियां द्वारा निर्मित है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आयुर्वेद के बारे में अधिक जानने के लिए कृपया easyayurveda.com पर भेंट करें।